है माँ, इसे मैं फील करके लिखना चाहती हूँ, इसीलिए जहाँ भूत है उसी जगह पर आई हूँ। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, भूत हकीकत में होते हैं माँ। नैनो तकनीक की तरह बहुत सारे तकनीकें हैं। एक दिन भूत को पता लगाने वाली मशीन भी मिल जाएगी, तब विश्वास करेंगी कि भूत भी होते हैं। हमें तो विश्वास है, भगवान के होने पर शक करने वालों को एक न एक दिन भूत जरूर मिल जाएगा। अभी मेरा मूड खराब मत करो। शुक्रवार है, अमावस है और 13 तारीख है। मैं खुद तुम्हारी जगह पर आई हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक राइडर हूँ। आओ, तुम्हारे बारे में एक कहानी लिखने आई हूँ, सामने आ जाओ। अगर नहीं आए तो
मीट यू मिस्टर भूत, सामने आने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ एक सेकेंड, एक असली भूत के साथ सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डालने से लाइक्स की बाढ़ आ जाएगी। ये क्या, तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा। हे, तुम तो शक्ल से बिल्कुल चोर की तरह लग रहे हो, देखने से भूत की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे। अब शराफत से भूत बन जाओ। तभी ढंग के लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, नहीं तो लोग फिर बकवास करेंगे। आत्मा इंसान जैसी लगती है लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत अलग होती हैं। वो सब मैं नहीं जानती, तुम अपनी शक्ल भूत जैसी बनाओगे या नहीं, नहीं। तब तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि यहाँ पे एक चोर आ गया है। अरे नहीं मैडम, सॉरी मैडम, मैं यहाँ लैपटॉप चुराने ही आया था, मुझे लगा मैं भूत हूँ, आप डर जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी हिम्मत वाली होंगी। सच में मैं भूत नहीं हूँ, इंसान ही। हाँ वो पहले से ही मैं जानती थी। कैसे, क्या एक भूत को नहीं पता होगा कि कौन भूत है और कौन इंसान है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं। यही है सर हमारी कहानी का पहला सीन। आगे बोलिए। नहीं सर, अभी तो एक ही सीन पूरा हुआ है, आगे कहानी लिखना अभी बाकी है। ये क्या, मैंने तुम्हें पहले ही 10 दिन का समय दिया था, तब पूरा कर सकते थे ना। मुझे तुम्हारा बताया कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑफिस खुलवाया, फिर भी कहानी तैयार नहीं की है। सर मुझे सिर्फ 4 दिन दीजिए, मैं कहानी पूरी कर दूंगा सर। तब तक एक काम करो, फिल्म की कहानी में जिस्म को ज्यादा दिखाओ, यही फिल्म के लिए बेहतर होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है फिल्म में थोड़ा जवानी, ग्लैमर ये दिखाओगे तो लोग थिएटर में फिल्म देखने आएंगे। मेरी तो बहुत सी फिल्में पहले से हिट हो गई है सर, और उनमें से किसी में ग्लैमर नहीं था। बस एक कहानी अच्छी होनी चाहिए, फिल्म तो चलेगी चलेगी सर। तुम्हें अपनी फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ सर। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो, नहीं तो फिर तुम कोई नया प्रोड्यूसर देख लो। ठीक है सर, मैं पूरी कर दूंगा। राइट, ओके। ठीक है, चलता हूँ सर। सुनो सर, देखो फिल्म युवाओं को पसंद आनी चाहिए। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। ओके सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सीन लिखने जा रहा हूँ। सर आज अष्टमी है, कल नवमी है और परसों का दिन भी शुभ नहीं है, इन तीनों दिन में कोई भी काम करेंगे तो सफल नहीं होगा। आपको इनमें विश्वास हो या ना हो लेकिन मुझे बहुत है। जो भी करेंगे 3 दिन के बाद करेंगे। बाहर निकलो, शराफत से जाओ यहाँ से। सर कहाँ ना बाहर जाओ, एडवाइस करता है, शक्ल तो देखो इसकी। मुझे काम से निकाल देंगे तभी लिखने नहीं दूंगा। पर से ये भी न समय देखती है ना हालात। क्या बात है? वाइफ कॉल कर रही है तो हाय डियर, हाय जाने मन नहीं कह सकते हो क्या? कितने प्यार से कॉल कर रही हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या कर रहे हो? ऑफिस में खाना पकाऊंगा क्या? कहानी लिख रहा हूँ। अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर घर से पत्नी कॉल कर रही है तो कोई तो काम होगा ना। एक जरूरी बात है। ठीक है बोलो। घर आते समय मेरे लिए गाजर ले लेना और 2 पैकेट दूध ले लेना, भूलना मत। हाँ सुबह से ये बात 4 बार कॉल करके बता चुकी हो, फोन रखो।
घर में खूबसूरत वाइफ के होते हुए भी लोग अफेयर चला लेते हैं। ऊपर से ये तो फिल्म वाले हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं अच्छी कहानी लिखने के बारे में सोच रहा हूँ और ये दूध के पीछे पड़ी हुई है। न घर पे लिख पा रहा हूँ ना ऑफिस में लिख पा रहा हूँ, कैसे पूरी करूंगा कुछ समझ में नहीं आ, क्या करूंगा। सर ए, मैंने कहा था ना तुम अंदर मत आना, चलो बाहर जाओ। आइए आइए सर, हीरोइन आई है सर, आपसे मिलना चाहती थी सर। इन्हें मैं देख लूंगा, तुम जाओ। हीरोइन को देखते ही मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, नमस्ते सर, मेरा नाम सुषमा है सर, मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ, अच्छा डांस करती हूँ, मैं अच्छा फाइट भी करती हूँ सर, क्या आप देखना चाहेंगे सर? मुझे एक चांस दो ना सर। फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक बार ट्राई करके देखिए सर, मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी सर। ठीक है, मैं ऑडिशन करके देखता हूँ, किसी कैरेक्टर में फिट हुई तो बुला लूंगा। सर एक मिनट बाहर आइए सर। किस लिए? आप शूट करने वाले हैं ना, तो आपके ब्लेसिंग चाहिए सर। अरे ये तो सिर्फ ऑडिशन शूट है ना, जब शूटिंग होगी तो देख लेंगे। मेरे लिए ये शूट वो शूट सब बराबर है सर। नहीं सुनो तो, अरे मुझे आशीर्वाद दे दीजिए सर। सर अरे क्या कर रही हो, बहुत बड़ी स्टार बनोगी। ये तो कहानी ही लिख रहे थे। आज तू तो गया बेटा। मैंने ही गलत समझ लिया। आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप मुझे इस तरह से दबा क्यों रहे हैं? अरे सर छोड़िए सर, छोड़िए सर, आप बहुत खराब हैं सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? ये औरत कौन है सर? इसके पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? जूनियर आर्टिस्ट है वो, मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा दीदी, जाओ जाकर सॉरी कहो, जाओ ना। दीदी रुकिए, दीदी चले गए। गलती करने पर माफी मांग देना। ओ, तो उसने तुम्हें बदल दिया है। बताती हूँ। इसकी हरकतें तो बहुत ही अजीब हैं। ये क्या? ये कपड़े पैक कर रहा है। कहीं उस चुड़ैल के साथ भागने तो नहीं वाला है ना? क्या हुआ? उसी हाथ से मुझे छूना भी मत। मैंने ऐसा क्या किया? मैं ऑफिस में सब कुछ देख चुकी हूँ। छे! अरे वो तो आर्टिस्ट है, आशीर्वाद लेने के लिए पैर छू रही थी। मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूँ? तुम्हारे सिर की कसम। मेरे सिर की झूठी कसम खाना बंद करो। ए, मेरी तरफ देखो। छुओ मत मुझे। सच कह रहा हूँ। देखो होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ मैं। होने वाले बच्चे की कसम खा रहे हो इसलिए माफ कर रही हूँ तुम्हें। अगर मुझे कुछ और पता चला ना तो देखूंगी नहीं कि तुम मेरे पति हो, जान से मार डालूंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। किसके साथ? शक कर रही हो? 100%। यहीं पर कहानी लिखो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ए, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो असिस्टेंट घर आ जाएंगे, मैं यहाँ पर भी नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुमसे भी ज्यादा चालू हूँ, मेरे साथ खेल खेल रहे हो। ये भी ठीक है, तुम यहाँ पर रहोगी तो वीडियो कॉल करके मुझे टॉर्चर करती रहोगी। ठीक है तो चलो। ओके, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है? वहाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। ओके प्रॉमिस, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं?
वो भी तुम ही बता दो। दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू मनाली। हम हनीमून के लिए नहीं जा रहे, स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। मेरे पास 3 ही दिन है, स्क्रिप्ट खत्म करनी है। फ्लाइट से ही जाएंगे ना? पता है उसमें कितना खर्चा होगा? तुम उसकी चिंता मत करो, प्रोड्यूसर के पैसे जाएंगे। किसने कहा? हम अपने खर्चे पर जा रहे हैं। अपने खर्चे पर? हाँ। अच्छा तो इतने पैसे क्यों खर्च करना? तुम्हें लिखने के लिए बस एकांत ही चाहिए ना? एक मिनट। हाँ बोलो दीदी। पप्पू तुम्हारा फार्म हाउस फ्री है क्या? अभी सीजन नहीं है ना, इसीलिए इस महीने कोई बुकिंग नहीं है। वैसे क्या बात है? मैं और तुम्हारे जीजू स्क्रिप्ट लिखने आ रहे हैं। कब दीदी? कल ही। ठीक है, आ जाइए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। देख लिया ना कैसे पैसे बचा लिए मैंने। सुनसान जगह लग रही है। आपने ही कहा था ना, कहानी लिखने के लिए शांत जगह चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी करो, किसी को पता नहीं चलने वाला, आराम से कहानी लिख सकते हो। ए, डालना, बहुत बड़ा गेंदबाज बन रहा है। अरे ए, दे मुझे। अरे वो देखो दीदी आ गई। आओ दीदी। पप्पू कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे जीजा जी आप कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ जीजा। ये मेरे दोस्त है चंदू और ये विक्की। हाँ, शादी में मिला था। ये लोग ना एकदम इंस्टाग्राम के दीवाने, खाना पीना सब कुछ के बारे में इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाकर डाल देते हैं। एक नंबर के बेवकूफ है। आजकल की लड़कियों को ये पसंद है, इसीलिए हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जीजा जी आपको यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो। दीदी आप बस जीजा जी को ढंग का खाना बनाकर खिलाते रहना। ए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ओके ठीक है। अच्छा जीजा जी तो फिर हम चलते हैं। ठीक है आराम से जाना, बाय। ठीक है दीदी। सर वाइफ के साथ आए, एंजॉय करिएगा। फ्रिज में ठंडी बियर रखी है। और साथ में अपनी फिल्म में मुझे चांस भी दीजिएगा प्लीज। याद रखो। थैंक यू सर। ओके बाय। अब ये कहाँ चली गई? रिया 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 कहाँ चली गई? रिया कहाँ हो तुम? रिया
रिया, कहा था कि डिस्टर्ब नहीं करेगी, आते ही डिस्टर्ब शुरू कर दिया। रिया रिया, पागल कहीं की, ये कहां से आ गया? ये तो शराब भी पीती है, ये सब क्या है? प्लीज रवि, आखिरी बार कॉलेज में पी थी। दो कहा ना, दो ना। मर्द पीते हैं इसलिए 150 में बिक रही है, तुम भी पीने लगी ना तो 1000 रुपए में मिलेगी। कम से कम एक तो दे दो ना। रखो, जाओ यहाँ से। प्लीज ना, प्लीज जाओ। कहा ना जाओ। नमस्ते सर। ऐसे क्या देख रहे हैं सर? अरे मैं इस बंगले का चौकीदार हूँ, अगर आपको कोई भी काम पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब शराब। सुनो। क्या? शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, सिडनी शेल्डन, ये सब किताबें हिंदी में क्यों नहीं है बताओ? प्रेमचंद, रामचरितमानस, पहले इन्हें पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिन किताबों की बात कर रही हो वो सिर्फ किताबें हैं और कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा यहाँ से कोई गया। आज के जमाने में प्रेमचंद की बातें कर रहे हो ना, शायद वही आए होंगे। ए, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ से कोई गया। बहम है, तुम्हारा सारा ध्यान बियर में लगा, ये सब बंद करके उसे खोलो। इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया है ना, उससे जरूरी काम मेरे लिए क्या हो सकता है? हाँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, अकेले ही पिए जा रहा है। पीने की आजादी सबको है, खालो और पियो। थैंक यू सो मच। सुनो ना। सुनो। क्या है? इतनी अच्छी जगह है, मौसम भी कितना अच्छा है, तो क्या करना है? पास में खूबसूरत लड़की भी तो है। क्या? हाँ ठीक है, ठीक ठाक सी लड़की है। अब ठीक है? तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा क्या? तुम्हें कुछ सूझ रहा है क्या? मूड। मूड? बहुत मूड बन रहा है। चल हाथ हटा। हाँ? मैं स्क्रिप्ट के मूड की बात कर रहा था। चुपचाप सो जा। लगता है डायरेक्टरों की जिंदगी में रोमांस नाम की चीज ही नहीं होती, इनका सारा रोमांस फिल्म में ही होता है। इनकी बीवियां वाकई में बहुत बेचारी होती हैं। अच्छा, ये क्या, सपने में दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है? सुनो ना, सुनो ना,
चलो ना, चलकर नहाते हैं। अरे तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चुपचाप सो जा। मुझे नहाए बिना नींद नहीं आती। मुझे नहीं नहाना है, तुम नहा लो। ठीक है, मैं जाती हूँ। कौन बोल रहा है? लगता है मैं भी हीरोइनों की तरह मेकअप करूंगी तो इन्हें अच्छा लगेगा। देखो तो कैसे सो रहे हैं, जरा भी कद्र नहीं है मेरी। चुराने आया, उठो जल्दी करो। क्या कह रही हो? अरे चलो ना, जल्दी चलो। जल्दी चलो, कोई हमारी कार चुरा के ले जा रहा है। चलो शराबी मजबे। नहीं वो नहीं है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। छोड़ो ना, मेरी बात मानो। डरो मत, मेरे साथ आओ। सब अच्छा। जाओ उसके पास प्लीज। मुझे देखने दो। छोड़ो ना। कौन है?
वापस आ जाओ रवि, प्लीज रवि। अंदर कौन है? रवि, के अंदर तो कोई नहीं है, फिर ये मूव कैसे कर रही थी? स्टार्ट भी नहीं हो रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मूव कैसे हुई? रवि, कार में कोई नहीं है प्रिया। तो फिर अपने आप कैसे चल रही थी? वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। चलो अंदर चलो। अपने आप कैसे चल रही थी, जाने बिना कैसे जाए? पहले अंदर चलो, फिर सब सोचेंगे। चलो आओ। यहाँ जो हो रहा है वो सब देखकर मुझे डर लग रहा है रवि। कार नहीं है। कहाँ गई होगी? मुझे क्या पता। नशा, लगता है रात को ज्यादा पी ली थी। कहानी लिखने के लिए उठा तो पेपर अपने आप उड़कर यहाँ आ गया और खुद ही जलने लगा। टॉर्चर करती हूँ इसलिए जान से मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो मजाक कर रही थी रवि। ये कैसा मजाक है?
प्रिया, प्रिया, ए, क्या हुआ? रुको, मैं अभी आता हूँ। ये, लो। क्या हुआ? अगर इन्हें बताऊंगी तो कहेंगे कि मैं इन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। जाने दो। तुम चिल्लाई क्यों थी? कुछ नहीं। मैगी बनाना कितना आसान है ना? गैस खत्म हो गई लगता है। क्या है रवि? रवि आओ ना, नहाते हैं, मजा आएगा। रवि क्या देख रहे हो? आओ ना।
ऐसे देख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। इन कपड़ों में मैं भूत जैसी दिखाई दे रही हूँ क्या? वो भी ठीक है, तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी हीरोइन ही सुंदर है ना। मैं कहाँ से सुंदर लगूंगी, वैसे मुझे तो नहाने के बाद ही नींद आती है रवि, इसलिए तुम्हें बुला रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं। ठीक है अब चलो चलते हैं। चलो ना। क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खैर जो भी हुआ हो, पूछूंगी तो स्क्रिप्ट का बहाना ही बना दोगे। ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। हे, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ लेकिन आज कुछ नहीं, मैडम बहुत थकी हुई है। गुड नाइट। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? कुछ गड़बड़ चल ही रही है, देखता हूं ये भी स्क्रिप्ट के काम आएगा। क्या ये हकीकत है? सुनो क्या हुआ तुम्हें, सुनो ना, सुनो क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना क्या हुआ। हाँ, ये लो पानी पी लो। हाँ, पी लो पानी। दीदी मजाक कर रहे हो क्या? शायद जीजा जी भूत की कहानी लिख रहे हैं ना, इसीलिए डर गए होंगे। अरे मैं इतने दिनों से वहाँ पर रह रहा हूँ, क्या मुझे एहसास नहीं होता क्या? तुम डरो मत। ठीक है पर तुम यहाँ कब तक आ रहे हो? नहीं दीदी मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। तुम डरो मत, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है आ जाओ। बीयर बहुत ठंडी है ना? बहुत ठंडी है यार। यार शराब रिसोर्ट रिपीट उसने कहा है तो जाना ही होगा। तो फिर इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? अरे शॉर्टकट है यार, इसीलिए तो इस रास्ते से जा रहा हूँ। ठीक है चलो। तुमने देखा एक हाथ सामने आया था? हाँ यार देख, हमें यहाँ से निकलना होगा। स्टार्ट करना यार, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी कर। अरे क्या हुआ यार, जल्दी करना। क्या हो गया इसे? जल्दी करना भाई, जल्दी स्टार्ट कर। पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? तुम रुको मैं थोड़ा बाहर जाकर के देखता हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ
आखिर क्या हो गया इसके अंदर? सुनो, हाँ, थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, थोड़ा रुको। हाँ करो। हे, स्टार्ट नहीं हो रही है यार, ऐसा क्या कर रहे हो? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करना यार। ए हे विक्की, 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 भाई बहुत डर लग रहा है। विक्की, मजाक मत करो, कहाँ हो यार तुम? विक्की, तुझे क्या हुआ? हे हाय दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? थोड़ा काम था दीदी। ठीक है, पप्पू ने कुछ कहा क्या? हाँ, कहा कि यही कि सर कोई भूत को देख कर डर गए हैं। बोले सर, एक साल तक हमारी दीदी के साथ में रहने के बाद भी भूतों से डर रहे हैं। अरे चाहे कैसा भी भूत हो, एक बार चंदू का नाम ले लो ना, अपने आप ही भाग के चला जाएगा भूत। जाके आराम से सोइए दीदी। ले जाइए इनको। चलिए। कैसे डायरेक्टर हैं देखो, भूत से डर रहे हैं। सर गुड नाइट, हैव अ गोस्ट ड्रीम। हाँ बोलो जानेमन। कुछ नहीं, वो पप्पू की दीदी और जीजा जी रिसोर्ट पर आए हुए थे, भूत है समझकर डर गए। अब मुझे तो भूत से डर है नहीं, उल्टा भूत हमें देखकर डर जाता है। हाँ बिल्कुल चलेंगे, कल ही जाना है ना? हाँ बिल्कुल चलेंगे, तुम परेशान मत हो, चलेंगे। एक सेकंड रुको। हाँ इतनी रात को कौन आ गया? तुम बोलो जानेमन, वो दोनों कहीं नशे में पड़े होंगे। अरे तुम तो जानते हो ना उनके बारे में। चलो ठीक है, एक मिनट रुको जरा। हाँ और हम मैं कॉल करता हूँ। अब मूड खराब था, बोलना भूल गया था। गुड नाइट, हैव अ गुड डे। ये बात कहने के लिए इतनी रात को आए थे और डराने वाली आवाज में दरवाजा बजा रहे थे। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे जाइए सर, जाके सो जाइए। टॉर्चर। काम का मूड ऑफ कर दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। अब इनकी समस्या क्या है आखिर?
इस आदमी को अभी सबक सिखाता हूँ। रो कौन रहा है? कहानी लिखनी शुरू कर दी? हाँ, लिखनी शुरू कर दी सर। आप कौन बात कर रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा, तो दोनों साथ गए हो कहानी लिखने के लिए? हाँ सर। देखिए मैडम, कहानी सीरियल जैसी मत बना देना। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आजकल की लड़कियों को तो सीरियल ही देखना पसंद है। बस लड़के ही थिएटर में आकर फिल्म देखते हैं। अगर सीरियल से अच्छी फिल्म होगी तभी तो सब लोग फिल्म देखने जाएंगे ना। कहानी मैं थोड़ी ही लिखने वाला हूँ, तुम्हारे पति ही लिखने वाले हैं। उनसे ये बात बताना। हाँ, बोल दूंगी सर। अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो मुझे सड़क पर चने ही बेचने पड़ेंगे। सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी फिल्म अच्छी बनेगी ये मेरी जिम्मेदारी। तुम कह रही हो तो ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हस्बैंड से कहानी जल्दी लिखकर लाने के लिए कहिए। नहीं तो फिर कोई और प्रोड्यूसर देख लें। समझ गई ना? अब मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ प्रिया, किसका फोन था? प्रोड्यूसर ने कॉल किया था। क्या कह रहे थे? 2 दिन में स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा है उन्होंने। और क्या कह रहे थे? नहीं तो कहा कि आपसे कह दूं कि दूसरे प्रोड्यूसर को देख ले। दीदी, कहा हो तुम? एक जरूरी काम आ गया इसीलिए बाहर आया हूँ। हाँ तो रूम खुला छोड़कर क्यों चले गए तुम? सॉरी दीदी, भूल गया। ठीक है, कब तक आओगे तुम? अब मैं नहीं आऊँगा दीदी। क्या कहा, तुम नहीं आओगे? क्या हुआ इसे, कह रहा नहीं आएगा? हो क्या गया इसे? Thank you.
मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अच्छा कहो। नहीं नहीं, पहले आप ही बोलिए। मुझे लगता है कि यहाँ भूत है। कहीं हमें कुछ हो ना जाए। तुमने ऐसा कुछ महसूस किया? आप वहां किससे बात कर रहे हैं? सुनिए, क्या हुआ है बताइए ना, बताएंगे तभी तो पता चलेगा। ये लीजिए, पहले कॉफी पीजिए। क्या हुआ है बताइए ना। यहाँ जरूर कुछ चल रहा है। मेरे साथ जो हुआ वो इन्हें बता देती हूँ। सुनो, स्क्रिप्ट लिख ली क्या? अभी तक तो मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अभी आकर सो जाओ, सुबह उठकर लिख लेना। लिखने बैठता हूँ तो कहती है बाद में लिखो, और कहता हूँ बाद में लिखूंगा तो कहती है बैठ के लिखो। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, लेकिन अब क्या करूं? स्क्रिप्ट टाइम पे खत्म करनी है, इसके लिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम चुप हो। मुझे उठाकर तुम खुश हो गई? ये दोनों भूत मिलकर मुझे स्क्रिप्ट लिखने नहीं दे रहे हैं। अब और नहीं होता। ए भगवान,
हेलो हुआ प्रिया तुम तो वहां थी यहां कैसे आ गई सुनिए मैं यहाँ कैसे आई मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर आया हूँ पप्पू आ गया है क्या नहीं सुनिए ना मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है चलिए ना घर चलते हैं ठीक है सुबह चले जाएंगे अभी कमरे में चलते हैं कुछ नहीं लगता है फ्यूज उड़ गया है मैं देख कर आता हूँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है मैं भी साथ चलूं ठीक है चलो
मेरे साथ आ। चलो। चलती आओ।
तुम? क्या सर, आपने तो मुझे मार ही दिया था। पप्पू ने आने के लिए कहा था इसलिए मैं आया, और आपके हाथ में चाकू, क्या बात है सर? हमें लगता है यहाँ कोई भूत है। एक नंबर के डरपोक डायरेक्टर हैं आप। भूत नहीं है ऐसे फिल्म बनाने वाले आप अगर भूत से डरेंगे। वैसे आपको आवाज कहां से आई थी? वहां उस नीचे वाले कमरे से। वहां से? कहां पर? चलकर दिखाइए मुझे। छोटे बच्चे की तरह डर रहे हैं क्या सर आप भी? आइए सर। आवाज कहां से आ रही है सर? उस कमरे से। हाँ रुकिए, मैं जाकर देखता हूं। ए, कौन है वहां पर? मैं इन्हेलर लेकर आता हूं। कहां गया? यही तो रखा था। रवि बिल्कुल नहीं है। देखो
मम्मी का कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा, जाऊं, बाय। बस इतना है? तो सर क्या चाहते हैं? बिना शादी के नो मस्ती। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? इसका विश्वास से क्या मतलब है? जो कुछ भी होगा शादी के बाद होगा। प्लीज सॉरी जान, प्लीज नो। मैं जा रही हूँ। हेलो, प्रिया की माँ बोल रही हैं। आप कौन? गांव में आपके परिवार की बहुत इज्जत है, लेकिन उस पर आपकी बेटी ने पानी फेर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन हैं? देखिए, मैं आपका शुभचिंतक हूँ मैडम। आपकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है, उन दोनों के मिलने जुलने से आपकी बहुत बदनामी हो रही है। क्या ये सच है? देखो, उन दोनों के प्यार करने से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक उसने कम से कम 10 लड़कियों को धोखा दिया है। इसलिए आप अपनी बेटी से कहिए कि उसे भूल जाए, ये उसके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। और हाँ, अपनी बेटी की शादी जल्दी करा दीजिए। प्यार से ज्यादा जरूरी तुम्हारी माँ है। उन्होंने कितने कष्ट उठाकर तुम्हें पाला है। उन्हें मारकर अगर हम जिएंगे तो हम इंसान ही नहीं है। उनके लिए हम अलग हो जाते हैं। तुम जहां भी रहो खुश रहो, इतना ही काफी है। तुम्हारी यही बात मुझे तुमसे और करीब लाती है। तुम्हारे जैसा मन किसका होगा? के बाद मैं अपनी माँ के लिए जीऊंगी, लेकिन सिर्फ आज का दिन मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का ये एक दिन मेरे लिए का। Mm.
अपनी लिस्ट में सबसे घटिया फिगर यही है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कपड़ों के बिना कितनी मस्त लग रही है यार ये। वैसे तुझमें टैलेंट तो बहुत है यार, एक मासूम लड़की को प्यार में फंसाना, फिर उसे सोने के लिए बिस्तर पर बुलाना, अगर वो मना करे तो घर पर फोन करके अपनी खुद बुराई कर देना, इतना टैलेंट कहाँ होता है किसी के पास यार। आप प्रिया की माँ बोल रही है? हाँ बोलिए। आपके परिवार का इस गाँव में अच्छा नाम है, पर आपकी बेटी ने सब पानी फेर दिया। आपकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है, पर वो अच्छा लड़का नहीं है। भगवान के लिए उसे भूलने के लिए कहिए, अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। उसके बाद तुम ऐसा नाटक करते हो जैसे कि अपना प्यार त्याग रहे हो, उसके बाद हम तुम्हें उसे बिस्तर पर लाने के लिए कहते हैं, उसके बाद हमारी मर्जी पूरी होती है, उसके बाद उसकी जानकारी के बिना उसका वीडियो बनाकर जब जब तुम्हारी मर्जी हो उसे बुलाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। इसका तो लेवल ही अलग है। हाँ यार, अब इसको मिलाकर कम से कम 10 लड़कियों की जिंदगी हमारे हाथ में है। कब कब किसे बुलाना है इस बात को तय करके हम सब लोग जवानी का फ्री में मजे करेंगे। ठीक कहा ना? सही कहा। देखा, मुफ्त में ही आ गई होती। तुमने बेकार में सोने की अंगूठी वेस्ट कर दी। अरे थोड़ा इंतजार तो करना था। मुझे तुम पर कितना भरोसा था और तुमने ये क्या किया? तुम्हें क्या लगा और लड़कियों की तरह घबरा कर यहाँ आ जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। क्या कहा? पुलिस को फोन करेगी? हमारी लिस्ट में पुलिस वाले की भी बेटी है, पुलिस को फोन करेंगे। ए, तुम सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाकर ले चलो, जला देते हैं। अरे क्या देख रहे हो खड़े खड़े? यार तुमने तो मजे ले लिया, अब हम भी ले लें। मेरी दोस्ती को बदनाम कर रहे हो? जाओ जाकर तुम भी मजे लो। ए, चलो हम लोग हमेशा की तरह शाबू थ्री डालकर देखते हैं। चलो शाबू थ्री। किस्मत वाला है यार ये। जाना Thank you.
वो कहाँ गई? का केस तो नहीं बनेगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, बॉडी मिलेगी तो केस बनेगा ना, नहीं तो मिसिंग केस। अरे तुम परेशान मत हो। अरे क्या कर रहे हो, उसको जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। Oh,
बोलो दीदी। पप्पू तुम्हारा फार्म हाउस खाली है क्या? क्यों दीदी? मैं और तुम्हारे जीजा जी स्क्रिप्ट लिखने आ रहे हैं। ठीक है, बाय दीदी। कहाँ हो? वहीं आ रहा हूँ दीदी। क्यों जीजा जी भूत से डर रहे हैं क्या? हाँ हमें बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है दीदी, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाय दीदी, क्या हुआ? कोई जरूरी बात है क्या? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे अरे अरे, मुझे मत मारो। अरे दीदी, तुम्हारी वजह से हमारी जान मुसीबत में पड़ गई। तुम्हें अपना भाई कहने में मुझे शर्म आ रही है। बताओ तो क्या हुआ? जैसे को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या कह रही हो दीदी? चल अंदर। चलो। अरे अरे बात क्या है? के नाम पर कलंक है। सुनिए जी, इस कमीने को उठा कर लाइए।
छोड़ता है। तुम लोगों को अपने किए गए पाप की सजा मुझे नहीं देगी। हेलो सर। क्या हुआ सर, कितने सीन पूरे हुए हैं? सारे सीन पूरे हो गए। सच कह रहे हो? फुल स्क्रिप्ट तैयार कर दी? यस सर। मैंने जैसी कहानी बोली थी वैसी ही लिखी है ना? हाँ सर। ठीक है, जल्दी आकर कहानी सुनाओ, शूटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है सर। जा रहे हो सर? नमस्ते सर। ठीक है सर, ठीक है सर। Thank you.